दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त अली टालपुर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अली टालपुर व्लॉग्स। दोस्तों हम चल रहे हैं शाह बंदर की तरफ। मैं आजकल शाह बंदर ट्रांसफ़र हो गया हूं, तो मेरा आजकल जो काम हो रहा है वो शाह बंदर में हो रहा है। शाह बंदर एक पुराना बंदरगाह है वहाँ, तो उस बंदरगाह पे तो कभी और चलेंगे, किसी और दिन चलेंगे। आज हम चलेंगे शाह बंदर का जो मेन सिटी है चूअर जमाली, वहाँ चलेंगे। तो हम चल रहे हैं चूअर जमाली। मैं आपको रास्ते के कुछ व्यू दिखाना चाहता हूँ। तो हमारा सफ़र जो शुरू हो रहा है वो बदीन से शुरू हो रहा है, और ये हमारा जो सफ़र है ये चूअर चलकर ख़त्म होगा। तो मैं कोशिश करूँगा बीच रास्ते के कुछ व्यू दिखाऊँ। आजकल जो है राइस की सीज़न चल रही है। अभी मैं रोड पे ही खड़ा हूँ, तो गाड़ियों की वजह से थोड़ा शोर हो रहा होगा। तो आजकल राइस की सीज़न चल रही है, और मैं कोशिश करता हूँ आपको राइस के कुछ व्यू दिखाऊँ और उसके साथ कुछ रोड के व्यू भी दिखाता चलूँ। तो चलिए मेरे साथ चूअर। दोस्तों ये बदीन से कराची की तरफ जाने वाला रोड है, सुपर हाईवे तो नहीं है लेकिन हाईवे ज़रूर है। तो हम चल रहे हैं सुजावल, और सुजावल से फिर चलेंगे चूअर की तरफ, जो कि तहसील शाह बंदर का सिटी है। और ये साइडों में आप देखें राइस का फसल है जो मैंने बात की थी। तो ये पूरा एरिया रोड की दोनों साइड पर आप देखेंगे राइस का फसल खड़ा है, राइस का क्रॉप है, और अभी ये पकने के करीब ही है। इस तरह से ये रोड के दोनों साइड पे है, लेकिन नीचे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ इस एरिया में आपको इस सीज़न में राइस ही नज़र आएगा। पूरा एरिया जो है वो राइस ही राइस है। वैसे तो आजकल पानी की शॉर्टेज की वजह से थोड़ी उसकी एवरेज कम हो गई है, लेकिन फिर भी ये राइस जो है इस सिंध का ये जो निचला हिस्सा है जिसको लार कहा जाता है, तो ये पूरा जो है ये राइस की वजह से ही ये एरिया जो है वो आबाद है। तो ये मतलब राइस इस एरिया का मेजर क्रॉप है, और इस सीज़न में ये बड़ी तादाद में होता है। तो चलिए एंजॉय कीजिए और देखिए हाईवे रोड और राइस क्रॉप। दोस्तों हम उसी रोड पे हैं, और ये आप देखें राइस क्रॉप जो आपको बड़ी तादाद में नज़र आ रहा होगा। वैसे आजकल मौसम जो है बहुत अच्छा हो गया है, गर्मी का जो दबाव था वो अभी टूट गया है, और पिछले एक दो हफ्ते से बहुत ज़ोरदार बारिशें भी हो रही थी, तो उन बारिशों का सिलसिला भी अभी एक दो दिन पहले ख़त्म हो चुका है। तो आजकल मौसम जो है बड़ा खुशगवार हो गया है, और काफ़ी ठंडक हो गई है। दिन में तो अभी भी गर्मी होती है, लेकिन रात को अभी मौसम ठंडा हो जाता है, काफ़ी सुकून आता है। तो मौसम का मज़ा लेते हुए चल रहे हैं शाह बंदर की तरफ, यानी चूअर की तरफ हम चल रहे हैं। चलिए और एंजॉय करते चलिए। ये साइडों में आपको बहुत अच्छे सारे घर नज़र आ रहे होंगे, छोटे छोटे से शॉप नज़र आ रहे होंगे। ये भी रोडों के साइड में बने रहते हैं, ढाबे होते हैं, शॉप्स होते हैं, पंचर के दुकानें होते हैं, तो इस तरह से होते हैं। इनके भी मज़े लेते चलिए हमारे साथ और घूमते चलिए।
दोस्तों, वैसे तो सिंध में बहुत कम रोड बनाए जाते हैं, क्योंकि पता नहीं सिंध गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, बड़ी मुश्किल से रोड बनते हैं। मतलब कोई 3 साल में 4 साल में कोई मुश्किल से एक रोड बनता है। लेकिन ये है कि ये रोड जो है ये कोयले की वजह से, जो यहाँ थर में कोयला निकला है, तो उस कोयले की वजह से ये कराची तक अच्छा रोड बनाया गया है। शायद इसीलिए अच्छा रोड बनाया गया है कि जो कोयले में अक्सर लोग काम करते हैं वो एक तो फॉरेनर है, यानी चाइनीज़ है, और दूसरे जो हैं वो भी फ़ौज के और इस तरह के बड़े बड़े आफ़िसर, रिटायर्ड आफ़िसर जो हैं, तो वो वहाँ पे काम करते हैं, तो शायद उनको फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने ऐसा अच्छा रोड बनाया है, ताकि वो यहाँ से कराची एयरपोर्ट जाएं और फिर वहाँ से इस्लामाबाद या दूसरे ममालक जा सकें। तो इसलिए ये रोड अच्छा बनाया गया है, वरना शायद ये इतना अच्छा रोड नहीं बनता। खैर, जो भी है, अच्छा ही है। दोस्तों, ये फ़िश का तालाब है, यानी यहाँ पे फ़िश रखी जाती है, जो छोटी छोटी रखी जाती है और फिर बड़ी करके मार्केट में सेल की जाती है। तो ये दोनों साइड पे आप देख रहे हैं फ़िश तालाब हैं। यहाँ अक्सर सुजावल के करीब या चूहड़ साइड पे, ये अक्सर या ठट्टे की साइड पे अक्सर ऐसे आपको फ़िश तालाब नज़र आएंगे, रोड के साथ भी नज़र आएंगे, और अगर अंदर गांव में जाएंगे या ज़मीन की तरफ जाएंगे तो वहां भी आपको बहुत बड़े बड़े और अच्छे से फ़िश तालाब नज़र आएंगे। दोस्तों, ये सुजावल से चूहड़ और फिर आगे शाहबंदर की तरफ रोड जाता है, जो यकीनन हाईवे तो नहीं है, लिंक रोड जैसा ही है, क्योंकि वैसे है तो लिंक रोड ही है, इसको लिंक रोड ही कहा जा सकता है, लेकिन बेहतर है, काफ़ी लिंक रोडों से ये बेहतर है, क्योंकि ये 2010 में जो इंडस रिवर फ्लड आया था, तो उसके बाद ये चूहड़, जाति और बदीन के कुछ साहली एरिया वाले जो रोड थे वो सारे उन्होंने रिपेयर किए थे, बनाए थे, तो उस दौरान काफ़ी रोड बने थे जिनमें ये रोड भी बना था, तो उस वजह से ये रोड थोड़ा बेहतर है। वैसे इसी रोड पे शाह यकीक जैसी बड़ी दरगाह भी है, तो उस दरगाह पे अक्सर कराची से या हैदराबाद से लोग आते हैं, तो यहाँ अक्सर रश होती है इस रोड पे, जो दूर दूर से लोग आते हैं इस दरगाह पे, और दूसरे सूबों से भी आते हैं, जैसा कि पंजाब है, केपीके है और बलूचिस्तान है, तो वहाँ से भी अक्सर लोग आते हैं यहाँ
चाय की दरगाह पे, तो उस वजह से भी इस रोड पे काफ़ी रश रहती है। शायद इसी वजह से ये रोड कुछ बेहतर है। दोस्तों, बीच रास्ते में आ रहा था तो एक पानी का ताला मैंने देखा और वहाँ पे कुछ डिफिकल्टी भी मैंने देखी। मैंने सोचा चलिए वो भी आपको थोड़ी सी दिखा दूँ, तो कुदरत की नेचर भी देखें। और ये पानी का तालाब है जहाँ पे फिश रखी जाती है। यहाँ अक्सर पानी के तालाब होते हैं इन एरियाज में, क्योंकि ज़मीन की दरखेदी थोड़ी कम होती है पानी की शॉर्टेज की वजह से। फिर ये एक मरतबा पानी का ताला भर के उसमें फ़िश रख देते हैं और फिर साल दो साल में वो तैयार हो जाती है, तो फिर वो मार्केट में सेल करते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ है, मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ, तो आप देखिए थोड़ा। दोस्तों, ये फिश का तालाब है और ये पानी है। पानी के अंदर नेचुरली तौर पे ये हुआ है, इसको खाया भी जाता है। इसका प्रॉपर नाम तो मुझे नहीं आता, लेकिन ये मैंने अक्सर देखा है कि मार्केट में ये रेड़े पे रखा होता है। तो ये मैं ज़ूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये है। तो ये आप देखें, सिंधी में तो इसको पाबोड़ा कहते हैं, पाबोड़ा। अब उर्दू में या हिंदी में इसको प्रॉपरली क्या कहा जाता है वो इसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये बड़ा टेस्टी होता है और बड़ा ही खूबसूरत भी है। ये आप देखें खुद, इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं और ये वाइट कलर के फूल भी हैं इसके। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा आपको ये थोड़ा दिखा दूँ। तो ये आप देखें नेचुरली कितनी खूबसूरती आपको नज़र आ रही होगी। ये नेचुरली ब्यूटी है, इस तरह से नेचुरली ब्यूटी देखने का एक अपना मज़ा है।